हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता किचन। आज जो मैं स्नैक्स की रेसिपी बताऊंगी वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच तेल गर्म करेंगे। अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और इसे थोड़ा चटकाएंगे। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही डालने से पहले हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे पैन में डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। थोड़ा चलाएंगे। अब हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे। मैंने यहाँ मोटा वाला सूजी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे, एक बार में सूजी नहीं डालेंगे। अगर हम एक बार में सूजी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बैठने लगेंगी और फिर हमें चलाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना आए। 1/2 सूजी डाल दी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मुझे चलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसे ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक टुकड़ा अदरक को भी इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे क्योंकि हमने सूजी में भी पहले नमक डाला था। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच कूटा हुआ जीरा डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 छोटा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ डालेंगे और थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें सूजी का मिश्रण जो हमने तैयार किया था वो डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब हम हथेली पे थोड़ा तेल लगाएंगे। सब मिश्रण उठाएंगे इसमें से, हथेली के बीच रखकर इसे आप जैसा आकार देना चाहें वैसा आकार दें, गोल आकार दे सकते हैं इस तरह से, लंबे आकार में भी आप दे सकते हैं इसे। इस तरह से इसे गोल कर बीच में थोड़ा छेद कर देंगे और रिंग आकार का बना सकते हैं आप इसे। मैंने यहाँ थोड़ा सा इस तरह से लंबे शेप में बनाया है। और थोड़ा इस तरह से गोल शेप में बनाया है।
अब हम इन सबको डीप फ्राई करेंगे ने? मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अपने सारे रिंग को डीप फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सबको डीप फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के वक्त फ्लेम को जो है हमें हाई रखना है। तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है लेकिन तलने के वक्त फ्लेम को हाई रखना है। हमारा सूजी आलू का ये चटपटा नाश्ता बनकर तैयार। इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।